भाई वेलकम बैक है आपका भाई फूड सिटी इंदौर में। और इंदौर के साथ ही भाई जैसे 56 दुकान बहुत ही फेमस है इंदौर में, उसी से रिलेटेड एक और नया स्पॉट यहाँ पे खुल चुका है जो कि 57 दुकान। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, एक महीना हो गया अभी ओपन हुए। हाँ। वो पूरी 57 दुकान यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सैटरडे संडे में आओगे ना भैया, हाँ। आपको यहाँ ऐसा लगेगा कि जैसे मेला आ गए हो भाई। फास्ट फूड के हिसाब से ना नई नई चीजें हैं। अभी हमने क्या ऑर्डर, अपन ने क्या ऑर्डर करके आया, अपन ने खोपरा पेटिस ऑर्डर किया। चलो खोपरा पेटिस ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा रहा। तो हमारे पास आ चुका है गर्मा गर्म खोपरा पेटिस। क्यों भाई एक्साइटेड? एक्साइटेड। कितने की पड़ी अपने को ये? 20 रुपीज। अच्छा अपन ये भी बोल सकते हैं कि 56 से थोड़े से कम है? हाँ होंगे शायद 56 से कम, क्योंकि थोड़ा सा ये अन्नपूर्णा के थोड़ा सा अंदर है, वो थोड़ी सी प्राइम लोकेशन पे। भाई कैसा लगा? तो सर ही सर पहले आपको कैसा लगा? बहुत मस्त भाई। भाई अभी हमने ये दही बड़ा ऑर्डर किया और ये 50 रुपीज का है, इसमें 2 बड़े हैं और टेस्ट इसका काफी अच्छा है। साथ में पाव भाजी ऑर्डर करी है, ये 60 रुपीज की है 2 प्लेट। तो ये सब पूरा निपटाते हैं और आपको बताते हैं सबका टेस्ट कैसा लगा। तो दोस्तों लास्ट में अपन ने ये रबड़ी ऑर्डर करी है और डेजर्ट है मतलब ये हमारा, हमने मसाला डोसा पाव भाजी दही बड़ा बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा ली है, तो पेट बिल्कुल मतलब गले तक पूरा भरा गया है। और आई मस्त से मैं ये कहूँगा कि भाई 56 से ज़्यादा बेटर तो भी मुझे नहीं लगा है, क्योंकि भाई रीजनेबल रेट में मुझे सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो भाई मैं तो मतलब एक ऐसे यही कहूँगा कि हाँ इसी रेट में आपको सही चीज़ें यहीं मिलेंगी। तो रबड़ी का भी टेस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसा है, बढ़िया है। 50 रुपये की प्लेट है और भी बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब मीठे में आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना हो तो कैंडीज़ वगैरह है, टॉफ़ी वगैरह। तो भाई ये था पूरा अपना 57 दुकान। और ओवरऑल आपको ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंदौर के, तब तक लिए बाय बाय। अरे फिर से वही बोलूँ? हाँ वही तो, थोड़े ज़्यादा लेने भाई नाम कटवाएगा भाई, आगे से बोल दे यार वो जल्दी बोल। चालू हो गई, चालू कर दी। तो गाइस कोलैबोरेशन के लिए एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को हलवा खिलाते हुए दूसरी बार